कन्याकुमारी भारत के साउदर्न लास्ट पॉइंट पे हिंद महासागर किनारे बसा ये छोटा सा शहर, जो कि फेमस है अपने सांस्कृतिक धरोहर, प्राचीन मंदिर और त्रिवेणी संगम के लिए। कन्याकुमारी 51 शक्तिपीठ में से एक है और पूरी भक्ति से लोग यहाँ देवी के दर्शन के लिए पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ आते हैं। कन्याकुमारी का रेलवे स्टेशन, और बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि इंडिया से रेल का बहुत ही अच्छा कनेक्टिविटी है कन्याकुमारी के लिए, तो आप आराम से ट्रेन का टिकट बुक करके आप कन्याकुमारी पहुंच सकते हो, क्योंकि मैं भी ट्रेन से ही आई थी। मैं जो हूँ, मैं बैंगलोर से कन्याकुमारी गई थी, तो मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करनी। आपको बैंगलोर से कन्याकुमारी के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगा, आई थिंक वो रात को 8 बजे ट्रेन है और आपको वो सुबह सुबह कन्याकुमारी पहुँचा देगा। तो इट्स द बेस्ट वे टू गो कन्याकुमारी। द फर्स्ट प्लेस जो हमने विजिट किया था वो था ये कन्याकुमारी बीच। ये बीच बहुत ही खूबसूरत था। हम ये अराउंड 3 बजे के आसपास हम जब कन्याकुमारी पहुँचे, उसके बाद यू कैन टेक अ रेस्ट और आप शाम में कन्याकुमारी बीच आ जाओ। यहाँ पे आप देख सकते हो, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और आप ज़्यादा कुछ करने को यहाँ पे है नहीं, बट यू कैन जस्ट डू बोटिंग और वो सब आप देख सकते हो। तो या एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है सनसेट पॉइंट। तो जैसे ही आप कन्याकुमारी बीच देखोगे, उसके बाद अराउंड 5 बज जाएगा, तो आप वहाँ से ये सनसेट पॉइंट पे आ जाइए। ये सनसेट पॉइंट अराउंड 6 बजे के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ओ माय गॉड, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जैसे कि कहा जाता है कि कन्याकुमारी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर ही आपको सनराइज और सनसेट दोनों ही देखने को मिलेगी। एवरीवन, तो ये हमारा दूसरा दिन है कन्याकुमारी, और इस दिन आप एकदम ध्यान से रहिए, सुनिएगा। आप सुबह सुबह ही आप 4 बजे के आसपास उठना होगा आपको, क्योंकि आपको वहाँ पे जैसे आपने कल सनसेट का देखा था, वैसे ही आप ये सनराइज़ पॉइंट है, और सनराइज़ आप बिल्कुल भी मिस नहीं कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि कितने लोग रहते हैं वहाँ पे सिर्फ सनराइज़ देखने के लिए। इतना क्राउड रहता है, इतना क्राउड रहता है, क्या ही बोले। मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं दिख पाया क्योंकि थोड़ा क्लाउडी था, पर फिर भी हमने देखा वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है, लोग जो एनर्जी रहता है, जो वाइब रहता है, वो बहुत ही अच्छा है।
पॉइंट देखने के बाद ये जो कन्याकुमारी अमन टेम्पल है उसको विजिट किया जा सकता है, जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, लाइक बगल में ही ये टेम्पल है। और ये टेम्पल जो है ये मोस्ट सेक्रेट टेम्पल है इन द वर्ल्ड। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ये जो है ये गॉडेस देवी कन्याकुमारी, जिसको कि वर्जिन गॉड भी बोला जाता है, टेम्पल का होम कंसिडर किया जाता है। तो आफ्टर एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग, ऑल द सनसेट एंड सनराइज, आप ये टेम्पल देख सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी फेमस टेम्पल इन कन्याकुमारी। नहीं होता संगम यह एक अनोखा समुद्र तट है जहाँ पर तीन समुद्र, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन एंड अरेबियन सी का मिलन होता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर यहाँ पे आपने स्नान करा तो यहाँ पे स्नान करना पवित्र माना जाता है। हम भी वहां एक जा रहे फोटो लेने, देख रहे हैं लोग। ये जो आपको वीडियो में दिख रहा है जहाँ मैं खड़ी हूँ, यही वो पॉइंट है जिसको त्रिवेणी संगम बोला जाता है। आप ये तीनों साइड से दिख रहा होगा कि एक साइड से तीनों का पानी का रंग हल्का हल्का डिफरेंट होता है, और इसे यहीं पे ये तीनों समुद्र, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी मिलता है। और यही वो एक झंडा भी दिखता होगा आपको, ये रेड कलर का जो झंडा है ये वो पॉइंट है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल। आने के लिए पहले तो आपको, जब मैंने लाइक टेंपल का विजिट हो गया उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड डे ही 3 बजे के अराउंड हम लोग ये करने के लिए गए। तो जैसे आप यहाँ जाओगे पहले आपको टिकट लेना पड़ेगा। टिकट का प्राइस था 75 रुपीज़। और टिकट लेने के बाद आपको बहुत ही लंबी लाइन में लगनी पड़ सकती है टिकट के लिए भी, क्योंकि यहाँ क्राउड थोड़ा ज़्यादा होता है। एज़ यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं विवेकानंद, सबके सब ये जैक स्वामी विवेकानंद जो स्टैचू का जो मेमोरियल है उसको देखने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा क्राउड आपको मिलेगा, बट इफ़ यू हैव पेशेंस हो जाता है। उसके बाद टिकट लेने के बाद आपको एक फेरी राइड मिलेगा, जो कि आपको दिख रहा होगा वीडियो में। आप लोग, आपको ये फेरी से लेके जाएगा विवेकानंद मेमोरियल। अब वो जो फेरी का जो राइड होता है वो भी बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है उसके लिए भी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये जो है ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है कन्याकुमारी में, एंड दिस इज सिचुएटेड इन इंडिया साउथर्न मोस्ट टिप।
करीब 3 मिनट या फिर 3 से 5 मिनट का फेरी राइड करने के बाद हम लोग यहाँ पहुँच गए। और यहाँ पहुँचने के बाद आपने जो भी वो लाइफ जैकेट दिया रहता है वो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। लोग लाइन में लगे हुए हैं तो, और 30 रुपये का टिकट आपको कटाना पड़ेगा। तो टोटल वहाँ पे आपने 75 का टिकट लिया था जो फेरी राइड में गया, और 30 रुपये का एंट्री फी है ये मेमोरियल में जाने के लिए। तो टोटल आपको 105 रुपये का टिकट पड़ेगा यहाँ पे। चलिए जानते हैं कि ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनाने के पीछे क्या स्टोरी है और विवेकानंद जी ने यहाँ पे कैसे वहाँ पे पहुँचे। तो ऐसा माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र के किनारे तैरकर समुद्र के बीच की जो चट्टान होती है, जो पत्थर था, वहाँ पहुँचे थे। और उन्होंने उसी पत्थर पर 3 दिन और रात तक ध्यान किया था, जब तक कि कहा जाता है कि उन्हें वहाँ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से, ये है तिरुवल्लुवर की मूर्ति जो कि 41 मीटर लंबी है। और उस पे हम लोग को जाना मना है, आपको बस इसी इसी साइड से आप उसका देख सकते हैं और फोटो क्लिक कर सकते हैं। आप उस साइड आपको नहीं लेके जाता है ये लोग। प्रसिद्ध तमिल कवि और संत तिरुवल्लुवर के सम्मान में राज्य सरकार ने 2000 में इस प्रतिमा के लिए 31 फुट ऊंचा आसन बनाया था। In my videos, I'm looking at Oh, see you, sir.
ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल एक्सप्लोर करने के बाद आपको कम से कम 2 से 3 घंटा मिनिमम लग ही जाएगा इसको एक्सप्लोर करने के बाद। उसके बाद आप वापस से फेरी ले सकते हो एंड आप वापस बैक टू योर होटल। पर तुम एक चीज देख, कितना हार्डवर्क करते हैं। Look at them, how much hard work. I'm asking you, put the bed के आ रही है। They are also something unique is happening. गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये हमारा 3rd डे है कन्याकुमारी में और आज हमारा फ्लाइट है शाम के अराउंड रात को 8 बजे। तो हमने सोचा हमारा दिन में टाइम है तो उसको भी यूटिलाइज़ किया जाए। तो फ्लाइट करने से पहले हम गए थे ये लाइक रामायण पिक्टोरियल एग्जीबिशन देखने के लिए और यहाँ जाने के लिए आपको एंट्री चार्जेस 30 रुपीज़ लगेगा। अगर आप ये म्यूज़ियम आना चाहते हो और देखना चाहते हो तो मेरा सजेशन होगा कि आप टाइम लेके आओ, लाइक सुबह मॉर्निंग 8 10 o'clock को ही आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको मिनिमम 3 आवर्स तो लग ही जाना है। क्योंकि यहाँ पे 2 फ्लोर है, एक फ्लोर में पूरा रामायण का पूरा स्टोरी को पोर्ट्रे किया गया और दूसरे फ्लोर में महाभारत का। और ट्रस्ट मी गाइस, ये इतना सुंदर लगा मुझे, इतना अच्छा लगा। लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं ये ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकूं। लेकिन अगर आप लोग आते हो तो प्लीज़ आप टाइम लेके आना। तो इसलिए अगर आप कन्याकुमारी का ट्रिप का प्लान कर रहे हो तो आप एक दिन एक्सटेंड कर दो, आप 2 दिन की जगह पर 3 दिन कर सकते, क्योंकि ये वाला जो है रामायण पिक्चर एग्जीबिशन, ये बहुत ही अच्छा लगा। एंड इसके बाद एक और टेंपल आने दिखाने वाली हूँ, दैट टेंपल इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। वेल, मैं आपको अंदर का नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि इन्होंने कैमरा अलाउ नहीं किया था। जो लास्ट डेस्टिनेशन है जो मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ इज दिस लॉर्ड सुब्रमण्यम टेम्पल। ओ माय गॉड, दिस टेम्पल सराउंडिंग वाज सो ब्यूटीफुल। ये जो था एक ये समुद्र किनारे में ये टेम्पल बना हुआ था एंड वहाँ पे जो आरती चल रही थी स्लो म्यूज़िक में, वो बहुत ही खूबसूरत था। तो अगर आप लोग कन्याकुमारी आ रहे हो तो इस टेम्पल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा एंड आराम से टाइम लेके आओ ताकि आप एक एक चीज़ को देख सको और इन्जॉय कर सको। वेल, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि मेरा फ्लाइट था 8 बजे एज आई हैव मेंशन, तो मैं उसको ज़्यादा इस वीडियो में दिखा नहीं सकती। बट या वंस यू गेट द अपॉर्चुनिटी, आप यहाँ ज़रूर जाना। सो ब्यूटीफुल, फटाक से निकलो। हमने टाइम ही नहीं दिया।